सो फ्रेंड्स, एलएसी पर इंडिया चाइना के बीच सिचुएशन ने वापस आग पकड़ ली है। दोनों साइड्स ने 2 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स और फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। मानो आने वाली सर्दियां एलएसी पर गर्मी बढ़ाने वाली हैं। ऐसे में सवाल बस एक उठकर आता है, क्या इंडिया चाइना जैसे सुपर पावर को हराने की कैपेसिटी रखता है या फिर 1962 विल रिपीट इटसेल्फ? इस सवाल का फैक्ट बेस्ड जवाब आज हम आपको देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक एंड लेट्स अनकवर अनदर स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल, वेलकम टू स्टोरीज अनकवर्ड। देखिए, चाइना नो डाउट एक सुपर पावर बन चुका है और डिफेंस के मामले में ये दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। चाइना का एनुअल मिलिट्री बजट 179 बिलियन डॉलर्स का है, वहीं इंडियन डिफेंस फोर्सेस इससे आधे से भी कम 67 बिलियन डॉलर्स में ही काम चलाते हैं। और इस 67 बिलियन का भी आधे से ज्यादा पैसा रिटायर्ड सर्विसमैन को पेंशन देने में चला जाता है। चाइना के पास ऑलमोस्ट 22 लाख एक्टिव डिफेंस पर्सनल तैनात रहते हैं, वहीं इंडिया के पास 14.4 लाख हैं। फाइटर जेट्स की बात करें तो चाइना के पास 1,232 कॉम्बैट रेडी फाइटर जेट प्लेन्स हैं, वहीं इंडिया के पास 532। नेवी के मामले में भी चाइना हमसे काफी आगे निकल गया है। चाइना के पास 138 वॉरशिप्स हैं, वहीं इंडिया के पास सिर्फ 42। चाइना जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट करता है और साथ ही और 2 रेडी होकर इंडक्ट होने वाले हैं, वहीं इंडिया करेंटली सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है और दूसरा 2022 में इंडक्ट किया जाएगा। सो इतना तो क्लियर है कि डिफेंस के मामले में चाइना हमसे काफी ताकतवर है, और यही कारण है कि अधिकतर इंडियंस को लगता है कि अगर इंडिया चाइना के बीच कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट हुई तो एक बार फिर 1962 की तरह हमें हार का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए इस पूरे सिचुएशन को फैक्ट्स के बेसिस पर एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि चाइना में कितना दम है। इस लिस्ट के आखिर में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो पहले किसी ने नहीं बताए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, चाइना का लैंड मास 9.597 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, वहीं इंडिया का लैंड मास 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। साइज में चाइना हमसे ऑलमोस्ट 3 गुना है। साथ ही चाइना का अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें इंडिया, जापान, ताइवान, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश हैं। इनमें से भी जापान और ताइवान के अगेंस्ट चाइना को हर समय एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखनी होती है। एज अ रिजल्ट, इंडिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में चाइना अपने पूरे स्ट्रेंथ से कभी अटैक नहीं कर सकता। वहीं इंडिया को सिर्फ पाकिस्तान से सटे अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स को गार्ड करना है। इस कैलकुलेशन से इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स एक मेजर एडवांटेज में है। स्क्रीन पर आपको चाइनीज एयरफोर्स के बेसिस के लोकेशंस दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि इनके ज्यादातर एयर बेसेस ईस्टर्न साइड में स्थित हैं, वहीं लद्दाख से सटकर इनके सिर्फ 3 एयरबेस हैं। साथ ही इनके एयरबेस सी लेवल से काफी ऊंचाई पर स्थित हैं। यहां एयर डेंसिटी काफी कम होती है। एज अ रिजल्ट, चाइनीज फाइटर जेट्स अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ फ्यूल और मिसाइल्स लेकर नहीं टेक ऑफ कर सकते। वहीं एलएसी के दूसरे तरफ इंडिया के एयरबेसेस पर अगर नजर डाली जाए तो ये काफी ज्यादा नंबर्स में हैं और काफी सटे हुए हैं। साथ ही कंपैरेटिवली ये काफी कम हाइट पर स्थित हैं। हमारे फाइटर जेट्स अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है हमारे एयरफोर्स के लिए। इसके साथ हम बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अब 26 रफाल फाइटर जेट्स इंडक्ट हो चुके हैं। रफाल अपने मीटियोर मिसाइल्स के साथ इस रीजन में सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। इसकी बराबरी का चाइना के पास और कोई दूसरा ऑप्शन फिलहाल तो नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी एयरफोर्स एक बहुत ही मजबूत पोजीशन पर है। देखिए, नंबर्स को देखा जाए तो हमारी नेवी चाइनीज नेवी से काफी छोटी है, मगर फिर भी सबसे बड़ा एडवांटेज नेवी के पास ही है।
ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना का जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया और वियतनाम के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर वाटर एरियाज को लेकर डिस्प्यूट्स चल रहा है। इस कारण चाइना अपने नेवी का एक छोटा हिस्सा ही इंडिया के अगेंस्ट लगा सकता है। साथ ही हाल ही में चाइना ने साउथ चाइना सी पर, जो कि एक ओपन वाटर्स वाला एरिया है, उस पर अपना एक छत्र क्लेम कर दिया है, जिससे यूएस इस लड़ाई में पूरी तरह से उतर चुका है। यूएस पूरे साल अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को इस रीजन में डिप्लॉय करके रखता है। दूसरी तरफ इंडिया क्वाड कंट्रीज का हिस्सा है। क्वाड यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बनता है। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। चाइना के साथ वॉर के सिचुएशन में ये चार देश अपने साथी देशों के फेवर में अपने नेवीज और एयरफोर्स को उतारने के लिए कमिटेड हैं। तीसरा सबसे बड़ा नेचुरल एडवांटेज है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखिए, इन आइलैंड्स के बगल से ही स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, जहां से चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट होकर जाता है। इंडिया ने अंडमान पे तगड़े मिसाइल और मिलिट्री एयर बेसेस बना रखे हैं। वॉर के सिचुएशन में हम बहुत ही आसानी से उनके ऑयल सप्लाईज को कट कर सकते हैं और हमारे साथ खड़ा रहेगा यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आपको जानकर काफी गर्व होगा कि माउंटेन वॉरफेयर के मामले में इंडियन आर्मी पूरे दुनिया में सबसे तगड़ी और वेल ट्रेंड मानी जाती है। हर साल यूके, जर्मनी और यूएस के काफ़ी सोल्जर्स हमारे ट्रेनिंग कैंप्स में आते हैं माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेने के लिए। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड सियाचिन ग्लेशियर, जो लगभग 18,000 फीट की हाइट पर है, वो भी इंडियन फोर्सेस के कब्जे में है। वहीं चाइनीज़ आर्मी की पूरी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस प्लेन लैंड की होती है। आपने हाल ही में न्यूज़ में सुना होगा कैसे LAC पर डिप्लॉयड चाइनीज़ सोल्जर्स की तबीयत ढीली पड़ रही थी और चाइना को रोटेशन पॉलिसी लगाकर अपने ट्रूप्स को बार बार चेंज करना पड़ रहा था। साथ ही हम बता दें कि इंडियन फोर्सेस एक वॉर ट्रेंड फोर्स है। इंडिया ने आज़ादी के बाद और इवन ब्रिटिश फ्लैग के नीचे कई लड़ाइयां लड़ी हैं, कुछ अपने खुद के देश में और कुछ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्सेज के फ्लैग के नीचे। इंडियन डिफेंस फोर्सेज अपने करेज, ब्रेवरी और अडेप्टेबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। वहीं चाइनीज़ मिलिट्री के आए दिन पैंट गीली होने की क्लिप सोशल मीडिया पे आते ही रहती है, जिसे चाइनीज़ गवर्नमेंट छुपाने में लगी रहती है। I'm an officer in the Indian Army. I'm a son to two mothers. One bore me, but the other, my country. She made me. She made me the man that I am. And every time she calls, I shall hear and I shall heed. For she sings to me in my hour of need.
आशा करता हूँ चाइना को लेकर आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी। वॉर के सिचुएशन में पाकिस्तान तो क्या हम चाइनीज़ को भी गोलगप्पे खिला सकते हैं। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनकी गलतफहमी भी दूर कीजिए। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।